आपने जो फाइल थी उस फाइल के भीतर जो लिखा हुआ था कोई नोटिस नहीं था, कोई समन नहीं, बल्कि सर्च वारंट का आदेश उनके साथ, यानी मुख्यमंत्री के घर पर दिल्ली में सर्च वारंट के साथ ईडी के दर्जन भर अधिकारी पहुंचे। दरवाजा इस बार कोई बंद करने की स्थिति में था नहीं, तो फिर दरवाजा खुला और एक के बाद एक दर्जन भर अधिकारी भीतर चले और उसके बाद दरवाजा बंद। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं, अंदर से बाहर किसी को आने की इजाजत नहीं। और बाहर एक तरफ आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हो, उनके मंत्री, उनकी मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ पुलिस और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई थी। 144 धारा लगा दी गई। यह एक दृश्य है दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से एंड पहले का। और इसके साथ ही एक सवाल कहीं बड़ा होगी, क्या वाकई जिस दौर में चुनाव चौखट पर खड़ा, उस दौर में दिल्ली की सत्ता, यानी इस दौर में मोदी सरकार के सामने एक एक सीट का संकट है, तो दिल्ली की 7 सीट और पंजाब की 13 सीट यानी 20 सीटों पर तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सीटों का तालमेल 5 और सीटों पर हो चुका है। तो इस दौर में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें एक के बाद एक अदालत का दरवाजा खटखटाने के बावजूद और 22 अप्रैल की तारीख ईडी को दिए जाने के बावजूद आज ही जब हाईकोर्ट ने कहा हम इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी या होगी, हम ये नहीं कह सकते हैं, आपको ईडी के सवालों का जवाब देना। दरअसल 9 सम्मन पहले दिए जा चुके थे और आज माना जा रहा था कि 10वां सम्मन थमा दिया जाएगा, लेकिन ये अंदेशा किसी को नहीं था कि 10वें सम्मन का नहीं बल्कि अब गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। दरअसल आज अदालत के भीतर जो हुआ और इससे पहले 2 बरस से जो कुछ दिल्ली के भीतर चल रहा था, उसमें बार बार एक ही बात निकल कर आती थी, क्या वाकई इस दौर में चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो चले हैं कि राजनीतिक तौर पर कोई रिस्क इस दौर में केंद्र सरकार लेना नहीं चाहती है या बीजेपी नहीं लेना चाहती है, इसीलिए समूची की समूची संरचना चुनाव के इर्द गिर्द की गई। हर किसी को पता है कि आम आदमी पार्टी के 3 महत्वपूर्ण नेता जेल में, और जेल में नेता जब मौजूद है तो वहां पर अब मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जेल में होंगे। और इन सब के बीच ये ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया, सरकार जेल से ही चलेगी। तो क्या यह एक नई परंपरा होगी राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर, या फिर ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर उभर कर सामने आ चुकी है कि जेल के भीतर और बाहर की परिस्थितियां एक सरीखी है? क्योंकि आज जो अदालत के भीतर हुआ उसमें कोर्ट में जो एएसपी या एसपी राजू थे जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उनको कोर्ट ने कहा कि आपको उन्हें